हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट और यूज करना है पाइथागोरस 22/7। देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्यूब दिया है, वुडन क्यूब है, इसमें से कट करके निकालना है हमें एक स्फीयर जो लार्जेस्ट स्फीयर पॉसिबल हो सकता है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल जो स्फीयर होगा उसका डायमीटर इसके एज के इक्वल होगा इस क्यूब के, है ना जी। चलिए तो मैं इसमें एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब के अंदर यहाँ पे मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये जो स्फीयर होगा एक्चुअल में इसका जो डायमीटर होगा इसके एज के इक्वल होगा। तो यहाँ साइड दिया है क्यूब का, एज दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो कितना वुड लेफ्ट बचेगा ये हमें बताना है। आप लिख सकते हैं कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर बी ऑफ डायमीटर is equal to the side of cube, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे side of cube क्या दिया है, side of cube क्या दिया है, cube का side क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अगर बात करेंगे हम लोग radius of sphere की, तो वो radius जो होगा इसके diameter का हाफ हो जाएगा, यानी कि इसके साइड का हाफ हो जाएगा 7/2, यानी कि आप 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हो। हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, जो वुड बच जाएगा उसका वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, उसके साइड का क्यूब होगा, उसके एज का क्यूब होगा, ठीक है ना जी। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई इनटू रेडियस का क्यूब हो जाएगा, है ना जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसका साइड 7 सेंटीमीटर का क्यूब माइनस में 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस आपका कितना है 7/2 यहाँ पे रख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, 7 से 7 कैंसिल, इससे हम लोग 11 टाइम्स में, इससे 2 से इसको, 4 को 2 टाइम्स में और 2 से 2 ये आपका कट जाएगा। यहाँ 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 11 में 49 से मल्टीप्लाई कर दो तो 539 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 343 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में 539 में डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से जी, 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना जी, या फिर ये 67 तक भी ले सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं मिला तो हम लोग ये 666 आ रहा है तो 67 कर देते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग 343 में से 179.67, तो यहां से आ जाएगा 163.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out, find the total surface area of the remaining solid, take pi equal to 22/7। क्या है, एक फॉर्म है सॉलिड, किस फॉर्म में जी, सिलेंडर दिया है और ये कह रहा है कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out, उसमें से काट करके खोद करके निकाल लेना है, ठीक है ना जी। चलिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए सिलेंडर हो गया, इसमें से सेम हाइट, सिलेंडर के सेम हाइट और सेम डायमीटर के इक्वल यहाँ पर एक कॉनिकल कैविटी इसमें से कट कर दी जाती है इस तरह से, ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका रेडियस, यानी डायमीटर दिया तो रेडियस तो निकाल ही सकते हैं,
और हाइट भी दिया हुआ है। तो हाइट दिया है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ डायमीटर दिया 4.2, तो ये 2.1 हो जाएगा रेडियस, 2.1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट। तो सॉलिड है तो ये नीचे से तो पैक होगा ही, होगा ना जी, ये पूरा सॉलिड है तो नीचे से ये वाला सरफेस एरिया, इसका ये कर्व सरफेस एरिया, ये कोनिकल वाला कर्व सरफेस एरिया ऐड कर लेंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस है 4.2 बाय में 2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। और हाइट देखिए दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का भी रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन कितना है जी, इसका भी हाइट वही है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया के लिए हो जाएगा 2πRh, इसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस में ये सर्कुलर नीचे जो है ये पाई आर स्क्वायर, और प्लस में ये इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल कोनिकल का। तो एल तो हमें नहीं पता है ना जी, तो यहाँ पे चलिए एल भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं स्लेंट हाइट क्या होगा, स्लेंट हाइट यानी कि एल, एल क्या होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2.1 का स्क्वायर और 2.8 का स्क्वायर और यहाँ 2.1 का स्क्वायर, ठीक है ना जी, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 2.8 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.84, मैं जगह नहीं है अलग लिख लेता हूँ और फिर ऐड करके लिख दूंगा, और ये 4.41, दोनों को ऐड करोगे तो 7.84 और ऐड हो जाएगा आपका 4.41, तो आपका आ जाएगा 12.25, यानी कि 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3.5 आ जाएगा स्लेंट हाइट, ठीक है, अब इसका यूज कर देंगे। चलिए यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2h प्लस का r और प्लस का एक l बचेगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पाई के जगह पे यहाँ 22/7 r है आपके पास 2.1 इंटू में 2h का वैल्यू यहाँ पर है 2.8 प्लस r का वैल्यू रेडियस है आपके पास, रेडियस कितना है 2.1 और l कितना स्लेंट है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.3 टाइम्स में, यानी आ जाएगा आपका 6.6, अंदर हो जाएगा ये आपका कितना 5.6 प्लस का 2.1 और प्लस में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 6.6 और इंटू में इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5.6 है और प्लस में 2.1 है और फिर प्लस है आपका 3.5, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.2 में आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 6.6 से, तो आपका आ जाएगा 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द लार्जेस्ट कोन इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 21 सेंटीमीटर साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लार्जेस्ट कोन को कट किया जा रहा है एक क्यूब में से। देखिए यहाँ पे क्यूब है, मैं यहाँ पे क्यूब बना लेता हूँ, तो लार्जेस्ट कोन को जो कट किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब बना लेता हूँ, क्यूब का यहाँ पे साइड दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें से लार्जेस्ट जो कोन होगा वह क्या होगा जी, लार्जेस्ट कोन, तो हम लोग सबसे बड़ा कोन कर सकते हैं कि जब उसका रेडियस इसके कह सकते हैं कि साइड का हाफ होगा, यानी कि डायमीटर के इक्वल होगा इसका साइड, है ना, साइड ऑफ क्यूब जो है वो डायमीटर ऑफ इस कह सकते हैं कि इसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगा कोन के, और इसका जो साइड है वह इक्वल होगा इसके हाइट के भी, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिख देते हैं पहले, यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर। अच्छा, लार्जेस्ट कोन की अगर जब बात करेंगे तो इसका जो रेडियस ऑफ द बेस होगा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन वो किसके इक्वल होगा जी,
तो उसका रेडियस जो होगा इसके डायमीटर का हाफ होगा, डायमीटर का हाफ होगा यानी कि इसके साइड का हाफ होगा, तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा हाइट की बात करेंगे, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट जो होगा वो इसके साइड के इक्वल होगा, है ना, उससे ज्यादा तो होगा नहीं ना जी, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकाला, कितना रिमेनिंग बच जाएगा, इसको काट के निकाल देंगे तब इसमें से, तो ठीक है कट आउट कर देंगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड का रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा इसके एड्स यानी साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइड का क्यूब 21 सेंटीमीटर का क्यूब, और माइनस 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू है 21/2 × 21/2, और एच का वैल्यू है यहाँ पर आपका 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए साइड का क्यूब होगा ना जी, मैंने स्क्वायर लगा दिया था। चलिए देखिए अब 7 × 3 = 21, ये 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से इस 11 टाइम्स, देखिए अब क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब जब करोगे तो 21 में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9261 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में यहाँ पे देखिए क्या होगा 11 × में ये आपका हो जाएगा, ये आपका 11 × में आ जाएगा 441, यानी कि आ जाएगा आपका 4851 और बाई में 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 9261 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में, अब देखिए इसमें जब डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से यहाँ पे 4851 में, तो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग सॉलिड का यहाँ पर वॉल्यूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है 32 नंबर, ए सॉलिड वुडन टॉय इज फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल वुड यूज्ड टू मेक इज इतना ही वॉल्यूम दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंडिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट, अच्छा ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 सेमी पर। देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट को ही सिर्फ पेंट करना है तो उसी के हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले किस तरह का टॉय है जी, तो यहाँ पर कोन है और जो सरमाउंटेड है किसके ऊपर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंटेड है ना जी, इस तरह का एक टॉय है, ठीक है कुछ इस तरह का हम लोग शेप यहाँ पर बना लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हेमिस्फेरिकल शेप में, यहाँ पे देखिए इसका हेमिस्फेरिकल का रेडियस और इस कोन का रेडियस दोनों का सेम ही है, हाइट नहीं पता है हमें कोन का, यही हमें निकालना है, हाइट ऑफ द टॉय निकालना है। अगर कोन का हाइट पता चल जाएगा तो टॉय का हाइट में यही इसका रेडियस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हम लोग ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू में h, अच्छा रेडियस ऑफ द कोन एंड स्फीयर हेमिस्फीयर दोनों का जो है यहाँ पर रेडियस, वह रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉय क्या होगा, हाइट ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, तो ये h में ये वाला 3.5 ये ऐड हो जाएगा, यानी कि h प्लस का 3.5 सेंटीमीटर हाइट होगा टॉय। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास दिया है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, है ना, दिया है 166 इंटीजर 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द टॉय दिया है, ठीक है ना जी। टॉय का वॉल्यूम दिया है तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है कोन जिसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक है हेमिस्फीयर जिसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में, ये 166 इंटीजर 5/6 है ना जी, तो 166 इंटू में हो जाएगा 6 तो ये आ जाएगा 996 और प्लस में आ जाएगा आपका ये 5, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर देखिए हम लोग एक काम करते हैं,
तो अब यहाँ पे 1/3 πr² कॉमन करोगे तो यहाँ h और प्लस का 2r बन जाएगा इक्वल टू में 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/3 × में पाई की जगह 22/7 और r का वैल्यू है 3.5 × 3.5, h के जगह पर h हमें नहीं पता है 2 × रेडियस है 3.5 है इक्वल टू में 1001 और बाई में 6। यहाँ देखिए ये कट जाएगा ये 0.5 टाइम, तो अब एक लिख दो h प्लस का ये 7 हो जाएगा इक्वल टू में 1001/6 और इंटू हो जाएगा ये 3 डिवाइड में इंटू में आ जाएगा और ये 2.22 में 0.5 से मल्टीप्लाई करते 11 और इंटू में 3.5। चलिए अब इसके बाद देखिए 11 से ये कट जाएगा आपका 91 टाइम्स में और 3.5 से कट जाएगा 91 कितना बार लीजिए तो डिवाइड करोगे 3.5 से तो ये आ जाएगा 26 टाइम्स में, ठीक है ना जी। और ये 3 × 2 = 6 और 2 से इसको काट देते हैं 13 है ना जी। तो यहाँ पर h जो हो जाएगा वो 13 और माइनस का 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर है ना जी। चलिए तो 6 सेंटीमीटर हमें हाइट ऑफ द ट्वाय निकालना है, हाइट ऑफ द ट्वाय, ट्वाय का हाइट कितना होगा तो h प्लस का कितना होगा जी तो ये जो आपका 3.5 है ये ऐड करके यही ना था जी हाइट ऑफ द ट्वाय यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पहले तो इसी को यूज कर देंगे यहाँ पर h प्लस का 3.5 सेंटीमीटर है ना जी। तो 6 और प्लस का 3.5 सेंटीमीटर तो 9.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ट्वाय आ जाएगा। हमें क्या निकालना है फिर आगे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द ट्वाय, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी कि उसके कर्व सरफेस एरिया की बात करनी होगी। यहाँ पे लिख देंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे भी कि एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया क्या होगा। हेमिस्फेरिकल पार्ट के एरिया की बात करें तो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसके एरिया की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr² तो 2 पाई की जगह 22/7 और r के वैल्यू है 3.5 × 3.5 cm² इसे काट देते हैं यहाँ पे 0.5। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 22 में 0.5 से तो 11 आ जाएगा और 2 में 3.5 से 7 तो यहाँ पे 77 cm² आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल पार्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा जी तो 77 और इंटू में आपका कितना था देख लेते हैं एक बार कैसे कॉस्ट है कितना है जी 10 rupees per cm² है ना जी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वहां अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से है ना जी यानी कि 770 rupees आ जाएगा टोटल कॉस्ट पेंटिंग का समझ गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए इन फिगर 14.57 फॉर्म ए क्या कह रहा है क्यूबाइडल सॉलिड मेटालिक ब्लॉक है देखिए क्यूबाइड शेप में है ऑफ डायमेंशन 15 cm × 10 cm × 5 cm इसका डायमेंशन दिया क्यूबाइडल इसमें से क्या कर रहा है सिलेंड्रिकल होल बनाया जाता है इसमें सिलेंड्रिकल होल किया जाता है जिसका डायमीटर 7 cm है और हाइट तो इसी के ना हाइट के इक्वल होगा 5 cm ठीक है ड्रिल आउट इसमें छेद कर दिया जाता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक जब इसमें ये ड्रिल कर देंगे तो हमारा ये देखो हम लोग क्या करेंगे एक ऑल साइड्स का इसका क्यूबॉइड का और इसमें से ये वाला सर्कल सबट्रैक्ट कर देंगे और अंदर जो हॉलो ये अंदर जो छेद बनेगा इसका भी यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड के लिए तो क्यूबॉइड के डायमेंशन के लिए पहले इसके बात करते हैं इसके लेंथ की तो लेंथ जो है आपका कितना है 15 cm फिर हम लोग इसके बात करते हैं ब्रेथ की तो कितना है ब्रेथ भी कितना है जी यहाँ पर है आपका 10 cm और फिर हम लोग इसके बात करते हैं हाइट की तो हाइट कितना है भाई हाइट है यहाँ पर 5 cm। अच्छा यहाँ पे इसको चाहो तो कैपिटल लेटर में भी नोट कर सकते हैं ऐसे भी ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ सिलेंडर की तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा इसका डायमीटर का हाफ यानी 7/2 cm और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा हाइट ऑफ सिलेंडर h जो कि 5 ही होगा है ना जी इसी के ना हाइट इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक हमें निकालना है
सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू में एलबी प्लस बीएच इंटू बीएच और प्लस में एचएल, ये ऑल फेसेस का हो गया इसके, लेकिन ये सर्कुलर जो होगा यहां से और यहां से दो बार हटाना होगा, क्योंकि छेद आपको दिखेगा ना, ये तो हम लोग ये पूरा कवर कर लिए, तो इसमें से ये जो होल हो रहा है यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग एक सर्कल नीचे एक ऊपर सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और प्लस में ये अंदर जो बनेगा एक कर्व सरफेस एरिया बनेगा जो कि होगा 2 पाई आर सिलेंडर के लिए होगा ना जी। देखो इसके सब साइड को हम लोग कर लिए, सब फेसेस का कर लिए ये क्यूब का, इसमें ये दो सर्कुलर से फटाना होगा, ऊपर और नीचे ये होल बन गया, वहां पर खाली है, और ये अंदर जो होल बनाने पे यहाँ पे इसका कर्व एरिया जो बन रहा है वो 2 पाई आर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए देखते हैं वैल्यूज के लिए, 2 एल के जगह पे है 15, बी के जगह पे 10, फिर 10 इंटू में 5, फिर 5 इंटू में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस 2 आई के जगह पे यहाँ पे 22/7 और आर है आपके पास 7/2 प्लस में 2 पाई आर इस, तो 22/7 आर का वैल्यू है 7/2 और एच का वैल्यू है यहाँ पर 5, ये सब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अंदर 2 इंटू 150 प्लस का 50 और प्लस का 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 से 7, ये 2 से 2 और इसको काट देते हैं यहाँ पे 11 टच में, तो माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में देखिए 7 से 7 इस 2 से 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब इसको हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये 200 और 200 ये 275 इंटू में 2, तो 275 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा जी, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ये 50 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 550 में ये 110 को ऐड कर देंगे और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 77 को, यहाँ से आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग ब्लॉक का एरिया आ जाएगा, समझ गए। तो ये काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।